हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी विल डिस्कस सम न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हमने कुछ बातें सीखी थी, कुछ फॉर्मूले देखे थे। तो आई होप कि आपने उसको देखा होगा और कुछ प्रैक्टिस भी की होगी। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इंटीग्रेशन का। तो इसमें देखने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स एंड कॉट स्क्वायर एक्स। तो यदि हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स के बारे में, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो या कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो, इसको करने के लिए, इन दोनों को देखने के लिए हम हेल्प लेते हैं कॉस टू एक्स का। बिकॉज हम जानते हैं कॉस टू एक्स इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखूं, तो यहां मुझको दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो मुझको मिलेगा 2 sin² x = 1 - cos 2x। इट मींस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos 2x/2। तो साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर मैं पुट कर दूंगा 1 - cos 2x/2। सिमिलरली cos 2x का फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos² x - 1 = cos 2x। तो यदि आप यहां से देखते हैं, इस 1 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2 cos² x = 1 + cos 2x। इट मींस cos² x = 1 + cos 2x/2। तो अब आपके पास cos स्क्वायर एक्स एंड sin स्क्वायर एक्स दोनों का एक एक्सप्रेशन आपको मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस। तो sin स्क्वायर एक्स के लिए आप याद रखेंगे कि sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos 2x/2 एंड cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + cos 2x/2। ये आपको याद रखने हैं। याद नहीं हो पाता है तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ cos 2x। तो अब शुरुआत करते हैं इसके इंटीग्रेशन की। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का मुझे करना है इंटीग्रेशन, तो इसको देखते हैं। यदि आपको करना है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप इसके प्लेस पर पुट कर सकते हैं 1 - cos 2x/2 dx। तो अब इसका हम करेंगे 1/2 dx - 1/2 cos 2x dx। तो हाफ आपका कॉन्स्टेंट है, ये आप इसमें से बाहर लगा ले सकते हैं। इट इज dx माइनस, अगेन यहां ऑल्सो हाफ आपका कॉन्स्टेंट है, तो cos 2x dx। अब हाफ dx यानी 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन आपका x माइनस हाफ आपका इट इज cos का होता है आपका sin। तो हमने बताया था आपको कि cos x का होगा आपका sin x, तो यहां पर एज x क्या है आपका 2x। लेकिन इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो x का कोफिशिएंट होगा वो आपको अपॉन में लगाना है प्लस c। तो 1/2x - 1/4 sin 2x + c, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का। अब हम बात करते हैं cos स्क्वायर x के बारे में, ठीक। तो cos स्क्वायर x का आपको करना है इंटीग्रेशन, तो cos स्क्वायर x dx, सपोज इट इज i। हमने भी देखा था कि cos स्क्वायर x को पुट कर सकते हो 1 + cos 2x/2। तो आप इसमें पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, आपको मिलेगा 1 + cos 2x/2 dx। 1/2 इसमें कांस्टेंट है, तो ये आपका एलजेब्रिक बाहर निकल के आ जाएगा, बचेगा 1 + cos 2x dx। तो अभी हमने यहां पर देखा था कि 1 का होगा इंटीग्रेशन आपका x, इट इज योर 1, इसका हो जाएगा x, अगेन
कॉस का होता है आपका साइन एक्स, तो इसमें एच एक्स क्या मिला आपको 2x, लेकिन x का कोफिशियंट आपका 2, वो आपका कौन में आ जाएगा प्लस c। अब चाहे तो यहां से 2 को कॉमा ले सकते हैं या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। तो cos स्क्वायर x हो या sin स्क्वायर x हो, दोनों के लिए आपको याद रखना है एज ए cos आप ये पुट करेंगे, साइन के लिए आपको 1 माइनस cos 2x ओवर 2 ये पुट करना है, ठीक। क्योंकि तो इस फॉर्मूले में क्या होगा कि स्क्वायर जो आपका है वो cos 2x में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है 2 अपॉन में कैसे आया है, इसके लिए आप हमारी देख सकते हैं वीडियो इंटीग्रेशन की जो पहली वीडियो होगी, आपको वहां पर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट इज टेन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन।